न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एम्स को लेकर बड़ा बयान, कहा एम्स हरियाणा में ही बनेगा, कोशिश है मनेठी में ही एम्स बने। मनेठी में एम्स नहीं बनेगा तो हरियाणा में कहीं भी जरूर बनेगा। विपक्ष एम्स को लेकर चिंता ना करे, कहा चुनाव से पूर्व पार्टी हाईकमान ले रही है विधायकों व मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है रिपोर्ट कार्ड। बावल से विधायक व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की दोबारा से टिकट के लिए पैरवी करने का दिया आश्वासन, साथ ही विरोधियों को चेताया, कहा मैं और पार्टी भाप रहे हैं कि जो भी जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरा उसकी वह पैरवी नहीं करेंगे। बिना नाम लिए रेवाड़ी के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास व कोसली के विधायक विक्रम सिंह पर साधा निशाना। गांव टाकड़ी में ग्रामीणों को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे राव इंद्रजीत सिंह। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। दो चीजें थी, एक तो धन्यवादी दौरा था काकड़ी गांव से और बावल हल्के से, बहुत अपन वोटों से मैं जीता था तो अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका धन्यवाद। साथ साथ यहां पर 1,01,77,00,000 रुपए की लागत से पब्लिक हेल्थ की तरफ से ड्रिंकिंग वाटर स्कीम चालू करनी थी, सो करी गई। इसके अलावा सड़कों के लिए, व्यायामशालाओं के लिए, अनेक कामों के लिए, गलियों के लिए पैसा जो हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने डॉक्टर बनवारी लाल ने करवाया था, उसका भी कहीं तो शिलान्यास किया है और कहीं उद्घाटन किया है, सारे उद्घाटन भी किए। तो उस चीज़ के लिए भी गाँव के अंदर आए थे। दोनों चीज़ मेरे समझ में हुई है, गाँव के अंदर बड़ा जोश था, लोग सारे गाँव के तो आए ही आए लेकिन आस पास के गाँव की चीज़ आ। देखो इलेक्शन के मुद्दे से पहले से बात चल रही, चार साल से भी मैंने इसके लिए मशक्कत की। हरियाणा सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी चिट्ठियां आई थी और कोई अपने फायदे के लिए, एक एमपी के फायदे के लिए प्रधानमंत्री भाषण नहीं कह देगा क्या? लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह देगा कि इंद्रजीत सिंह को जिताना है इसलिए हम एम्स का वहां पर करते हैं? तो ये जो अपोजिशन की तरफ से इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है वो बिना सर पैर के। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एम्स हरियाणा के अंदर बनेगा, कोशिश ये है कि मनेठी के अंदर बने। अगर मनेठी में बनेगा तो फिर भी यहीं हम कोशिश के अंदर हैं, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा इसकी चिंता परंता कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसके बारे में सरकार आज के दिन विचार कर रही है और जो रास्ता नजर आएगा उसके ऊपर चल करके। देखो ऐसा है कि पार्टी हर एक सिटिंग MLA का, पार्टी हर टिकट के इच्छाधार का, जिसने पार्टी के लिए टिकट मांगने की संभावना है उसका वो ले रही है, जायजा ले रही है पब्लिक से सीक्रेटली, और उसके बाद फिर जब वो जायजा ले लिया जाएगा कौन जीतने की हालत के अंदर है कौन नहीं है, किसने पद का दुरुपयोग किया है नहीं किया है, वो जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि किसको टिकट दी है।